गुड इवनिंग एवरी वन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो इवनिंग से शुरू कर रही हूँ आप लोग, कैसा लगे बोलना ज़रूर। आज इवनिंग में पास्ता बनाऊँगी। मेरे घर में जितने जो चीज़ है उसे मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि ये ज़्यादा मैं वो नहीं करती, ताम जाम नहीं करती कि ये चाहिए वो चाहिए फिर कुछ बनाएंगे। तो यहाँ बर्तन, दोपहर की बर्तन पड़े हैं उसको उठाऊंगी। फिर मैंने थोड़ा किचन का लुक्स चेंज किया एंड इधर मैंने मोटर और गाजर थोड़ा थोड़ा बॉईल करके रखे। और यहाँ मैंने पास्ता बॉईल करके रखे, आपके साथ शेयर करूँगी आज शाम की पास्ता मेरी। तो पहले सब घर की बत्तियाँ जला लेते हैं और फिर बाद में नाश्ता बनाऊँगी। अभी लोग सब बाहर है आएंगे इसलिए मैं शुरू कर दिया। आज बहुत सारे ऑयल डाला है बालों में मैंने। चलिए ये पहले ये कैंडल जलाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है कैंडल जलाना, खुशबू भी अच्छे लगते। तो चले देखते जलाने के लिए जो लाइट होती है ना वो खरीदूंगी मैं बोल के। ये ऑफलाइन तो नहीं मिला मगर ऑनलाइन मैं खरीदूंगी। खुशबू तो अभी से आने लगा। ये एक ओनियन ले आई पास्ता के लिए करूँगी। पहले मैं अपना बाल बांध लेती हूँ, खाना उठा उधर इतना गर्मी, बाल के लिए जगह जगह में मेरा क्लच है। तो चलो पहले बाल बांध लेती हूँ। ओह शिट, आजकल मैं थोड़ा थोड़ा आपके सामने आना आया करूँगी, मुझे भी अच्छा लगेगा लोग से खुल के आने की इच्छा हो रही है अब धीरे धीरे। पता नहीं आप लोग कौन कौन लोग पसंद करेंगे और मुझे ज़्यादा ब्लॉगिंग की इतना नॉलेज नहीं है, कैसे लोग इतना बड़ा बड़ा करके बातें करते हैं और सुनाई देता है। मैं जब ऐसे वॉइस ओवर देती हूँ तो ठीक है, वॉइस ओवर ना दूँ तो आवाज़ बिल्कुल स्लो आते हैं। तो आप लोग जो लोग सुन रहे हो तो आवाज़ को बड़ा कर लेना, सॉरी मैं धीरे धीरे सीख जाऊँगी। चलिए पास्ता बना लेते हैं, पहले ओनियन को काट के आप लोग से मिलती हूँ। पास्ता के बीच में रुकावट आ गई, बाहर से बच्चे आए तो रूह अफ़ज़ा दे देती हूँ। गर्मी में खूब चल रहा है ये, मैं तो डर के मारे पीती नहीं, मुझे बहुत पसंद है मगर पीती नहीं हूँ मैं। स्टार्ट पास्ता, थोड़ा सा ऑयल डालूँगी फिर मैं बटर डालूँगी थोड़ा। ऑनियन और थोड़ा सा गार्लिक मैंने ऐड किया। ज़्यादा कोई तमझम करना नहीं है मेरे को, ये बॉयल है ये डाल दे और सॉस में में ज़्यादा कुछ नहीं, ओनली
किया था, ओनली केचप और सोया सॉस है। ऐसा करती हूँ जो है उसमें काम चलाती हूँ, फिर जाके याद आता है बाजार में जाके जो लेना है देखती हूँ। ऐसा नहीं ये सही सही ऐसा ऐसा नहीं आपको भी नहीं किया है और करती ही नहीं। बस हो गया जो चीज़ डालना चाहिए सिंपल घर में बना रही हूँ, और इसमें केचप और सोया सॉस मिला के मैंने खत्म खत्म कर दी, और एंड में बटर डालूंगा। बस हो गया, ये बटर मैंने 3 पैकेट मंगवाई, इसको मैं गार्लिक बटर कैसे बनाती हूँ नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो इसमें थोड़ा एक कीप दे देती हूँ, बस इसके ढक के मैं नमाज़ पढ़ने जाऊंगी, फिर नमाज के बाद ये नाश्ता। सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस बहुत मज़े की बनती है। घर में जितने थोड़ी थोड़ी थोड़ा वेजिटेबल थे इसके साथ पास्ता, बस बटर डाल लें, और क्या है वो एक चीज़ बनती है, यह मेरा पास्ता। हर्ब्स, इसको खुशबू से भी टेस्ट आ जाती है, इसकी खुशबू से ही टेस्ट आ जाती है। बगल में ऐसे ऐसे चीज़ रखते हैं लोग, हमारे कुकिंग मॉम के लिए ईजी हो जाती है। बस हो गए, ढक के रखते जा रही क्योंकि मसाला, अब मैं गैस बंद कर दूँगी, थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा और मसाला एक दूसरे के साथ जुड़ते रहेगा। फिर मैं नमक पड़ के आती हूँ, फिर सार करके ये था मेरा इवनिंग का थोड़ा सा शेयरिंग, कैसा लगा बोलना ज़रूर, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना आप लोग कैसे पास्ता बनाते हो। मैंने व्हाइट सॉस पर पास्ता भी बनाया और मसालेदार पास्ता भी बनाया, और सिंपल सा ऐसे रैंडम पास्ता भी बनाया। मेरे चैनल में विजिट करो तो काफ़ी सारे मिलेगी, बहुत सके तो सर्विसिंग दिखाऊंगी, वरना ये यही एंड कर रही हूँ वीडियो। मेरे मोबाइल में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, आई होप आप लोग समझ सकते हो। विदा ले रही हूँ आपसे, स्टे सेफ स्टे हेल्दी स्टे